आज हम उन सात सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके जिस्म से और गुर्दों से जहरीले मवाद को निकालती हैं और आपके गुर्दों को सेहतमंद बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महवेश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत जिंदगी। मौजूदा दिनों में गुर्दों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे गुर्दों की सोजिश हो गया है, सूजन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, या गुर्दों में पथरी के मसाइल हो गए हैं, या कुछ लोगों के गुर्दे फेल होने के मसाइल सामने आ रहे हैं। तो आज हम उन ग़िज़ाओं के बल्कि उन सब्ज़ियों के बारे में बात करेंगे जो आपके गुर्दों को सेहतमंद बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो आइए उन सात सब्जियों के बारे में बात करते हैं। उनमें सबसे पहली जो सब्ज़ी है वो है बंद गोभी, कैबेज जिसको कहा जाता है। कैबेज के बहुत से फ़वाद हैं क्योंकि उसमें पोटाशियम पाया जाता है, उसमें सोडियम पाया जाता है, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मैं आपको बताऊँ कि वो हमारे जिस्म में कैसे काम करते हैं। जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं या हमारे जिस्म में तजाबियत बन रही होती है उनको हमारे जिस्म से निकालना शुरू कर देता है। फिर विटामिन सी का ये काम भी है कि वो कुव्वत मुदाफ़ियत बताता है, बहुत सी बीमारियों से बचाता है, हमें जो हमें ज़ख्म वगैरह होते हैं उनसे हीलिंग में जल्दी काम करने में मददगार साबित होता है और हमारे खून को साफ़ करना शुरू कर देता है। अगर आप बंद गोभी का इस्तेमाल अपने सलाद में करते हैं, किसी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं या किसी गोश्त के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बहुत से फ़वाद आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सलाद में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं कि सब्ज़ियों को कच्चा खाएं। पका के खाने से उसके कुछ ऐसे फ़वाद हैं जो हमारे चले जाते हैं, जैसे उसमें विटामिन सी है, विटामिन सी चला जाता है जब हम सब्ज़ी को पका लेते हैं, स्पेशली जो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ उनमें से विटामिन सी चला जाता है, उनमें से फॉलिक एसिड चला जाता है। तो वो उस तरह से हमें फ़वाद नहीं मिलते जब हम उसको बहुत ज़्यादा हीट पर, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाल के, बहुत ज़्यादा तेल डाल के, बहुत कुक कर लेते हैं, तो उसका वो फ़ायदा नहीं हमें मिलता। तो कोशिश करें ये जो सब्ज़ियाँ हैं इनको कच्चा इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप अपने खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो जो गुर्दों में होने वाले मसाइल हैं, जो गुर्दों में तजाबियत बन जाती है या वो गुर्दे के जो सेल डैमेज हो रहे हैं या वो ख़राब हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे गुर्दों में से उन गैर ज़रूरी मादों को निकालने में मददगार साबित होगा जो आपको नुकसान पहुँचाएंगे या आपको गुर्दों की बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी जो सब्ज़ी है वो है फूल गोभी, वो भी बंद गोभी की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसके भी अलग से फ़वाद हैं। अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी में हर तरह की फादियत रखी हुई है। तो अगर हम बंद गोभी का इस्तेमाल फूल गोभी के साथ करें या अलग से फूल गोभी का इस्तेमाल करें तो वो भी हमें गुर्दों के बहुत से मसाइल से बचा लेगा। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर की वजह से गुर्दों के मसाइल चल रहे होते हैं, शुगर में फूल गोभी का और बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी शुगर ज़्यादा है तो आपके गुर्दे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे गुर्दों में ऐसे इंजाइम्स या ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो हमें और बहुत सी बीमारियों से बचा रहे होते हैं। जैसे स्ट्रेस हार्मोन है वो गुर्दों से रिलीज़ हो रहा होता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन ये भी एक हार्मोन है जो हमें अलर्ट रखता है, हमारे दिमाग को सिग्नल्स पहुँचा रहा होता है। तो अगर हमारे गुर्दों के मसाइल रहेंगे तो उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो सकते हैं। तो अगर हम फूल गोभी का इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो कैलोरीज उसमें कम हैं, दूसरा उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं जो गुर्दों की सफाई में हमें मददगार साबित होंगी, गुर्दों के सेल्स को मजबूत बनाएंगी, साथ में विटामिन सी मिलेगा हमें, पोटाशियम है। अब जैसे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो गुर्दों की फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो हम हमेशा उन्हें पोटाशियम और फॉस्फोरस कम कराते हैं। तो ये वो सब्ज़ियाँ हैं जिनमें पोटाशियम और फॉस्फोरस तो पाया जाता है लेकिन कम मिकदार में पाया जाता है, वो आपके गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। अब कुछ ऐसी भी सब्ज़ी हैं जिनमें पोटाशियम और फास्फोरस ज़्यादा होता है और वो आपके गुर्दों के मसाइल की तरफ लेके जा रही होती हैं, लेकिन फूल गोभी और बंद गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें पोटाशियम और फास्फोरस तो है लेकिन वो आपके गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है, वो उतनी मिकदार में नहीं है जो आपके गुर्दों को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे इस लिस्ट में जो तीसरी सब्ज़ी है जो बहुत ज़रूरी है वो है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल के और भी बहुत से फ़वाद हैं, लेकिन अगर हम गुर्दों में बात करें तो वो गुर्दों की सफाई में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि गार्लिक जिसको हम लहसुन कहते हैं उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे मवाद जो आपके गुर्दों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उसको कम करने में मददगार साबित होता है, जो आपके गुर्दों की सूजन होती है उसको कम करने में मददगार साबित होता है। कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की वजह से या आपको शुगर की वजह से गुर्दों के मसाइल की तरफ आप जा रहे हैं तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ब्लड प्रेशर और शुगर का
फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा, शुगर कम होती जाएगी। जब वो कंट्रोल होंगे तो डेफिनेटली आपके गुर्दों के मसाइल भी कम होना शुरू हो जाएंगे, और गुर्दों के इन्फेक्शन को, सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को और पेन को, क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल है और ये नेचुरल पेन किलर है, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये मसाइल भी साथ साथ गुर्दों के ठीक होते जाएंगे। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लहसुन का इस्तेमाल सालन में तो करते हैं, इसके अलावा हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बतौर माहिर गज़ाइत मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लहसुन का इस्तेमाल और भी बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे आप पानी के साथ लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चटनी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके जवे काट के आप अपने सलाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सलाद बनाया है, कच्ची सब्जियों का बनाया है, तो उसमें 2 से 3 जवों को आप चॉप करके छोटे छोटे बारीक काट के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप क्या, अगर आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं जैसे ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, जैसे एलोवेरा का ड्रिंक होता है या पुदीने का ड्रिंक होता है, आप उसमें अगर एक लहसुन का जवा इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगी। अब हम चौथी सब्ज़ी के बारे में बात करें, वो है खीरा। हर घर में खीरा पाया जाता है और हर, मेरे ख्याल से हर इंसान को, अगर वो सलाद में और कुछ नहीं खाता तो वो खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करता है। खीरा एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें 90% पानी पाया जाता है, और गुर्दों की ख़राबी की एक बड़ी निशानी ये भी है, जब आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो आपके गुर्दों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें ऐसी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मकदार सबसे ज़्यादा, और खीरा उनमें से एक है जिसमें 90% पानी पाया जाता है। खीरों को अगर आप छिलकों समेत इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा, और जो उसके छिलके में फ़वाद हैं, जो ऐसे गज़ाई अज्जा हैं जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, वो बहुत आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो खीरे का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसको छील के खाते हैं, तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि आप छीले बगैर छिलकों समेत खीरों का इस्तेमाल करें। एक तो उससे आपके पानी की कमी पूरी होगी और आपके गुर्दों के जितने भी मसाइल हैं जो पानी की कमी की वजह से हो रहे हैं वो दूर होते जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक एहतियाती तदबीर आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप इस्तेमाल करें तो इसको अच्छी तरह छिलकों समेत खाना है तो धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम बाज़ार से इसको लेकर आते हैं तो इसके ऊपर तरह तरह के स्प्रेज हुए हुए होते हैं और गंदे पानी का छिड़काव किया जाता है। तो कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह धोएं और फिर इसको काट के अपने सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ड्रिंक बनाया जा सकता है, जैसे आपने एक खीरा लिया, एक चम्मच एलोवेरा का लिया, थोड़ा सा पानी डाला और लीमू थोड़ा सा डाल के इसका ड्रिंक बना के वेट लॉस के लिए और गुर्दों के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी सब्ज़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ, वो भी बहुत अहम है, वो है सलाद का पत्ता। सलाद का पत्ता है, इसमें भी पानी अच्छा पाया जाता है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, इसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है और B6 पाया जाता है। ये जितने भी ग़िज़ाई अज़ा का मैंने अभी नाम लिया है, ये आपके गुर्दों की सोजिश को कम करेंगे, आपके गुर्दों में से गैर ज़रूरी मादों को निकालेंगे, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आपके फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जो बाद में आपको गुर्दों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनसे बचाव का जरिया बन सकता है। छठी सब्ज़ी के बारे में बात करूं तो वो है प्याज, अनियन, जो कि हर घर में उसका इस्तेमाल होता है, हर खाने में उसका इस्तेमाल होता है। अब प्याज के बहुत से फ़वाद हैं, उसमें जो अज्जा पाया जाता है वो क्वार्सिटीन पाया जाता है, इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और उसमें ऐसे पॉलीफिनोलिक फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो गुर्दों के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि जैसे गुर्दों के सेल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं वो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वो सोजिश की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने खाने में प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे मसाइल से बचा जा सकता है। और प्याज की भी ये अफादियत है कि वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, इसमें कुदरती तौर पर एक ऐसे ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं और आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। प्याज को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज का सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है और चटनी में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोशिश करें कि हर खाने के साथ अगर सलाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें प्याज ज़रूर हो आपका। हमारी इस वीडियो में गुर्दों की अहमियत के लिहाज से जो हम 7 सब्जियों की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे आखिरी और 7वीं सब्ज़ी है, वो है गाजर। वैसे तो कहा जाता है कि जो गुर्दों के मरीज़ हैं वो ज़मीन के अंदर वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल ना करें, जैसे टर्निप हो गया है, जैसे पत्ते हो गया है, जैसे पालक हो गया है, क्योंकि उसमें सोडियम और पोटाशियम का थोड़ी सी मकदार ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें मना किया जाता है। लेकिन गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो उगती तो ज़मीन के नीचे है लेकिन वो गुर्दों के मसाइल को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। जैसे उसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए बहुत अच्छा है गुर्दों के लिए, उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है और उसमें भी कुछ ऐसे
फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो गुर्दों के मसाइल को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप इसका जूस बना सकते हैं, गाजर का, सेब का, चुकंदर का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गाजर को काट के अपने सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और गाजर को सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इवॉन एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ, तो अगर आप अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, चाहे वज़न कम करना हो, चाहे वज़न ज़्यादा करना हो, या बच्चों से मुतल्लिक आपका कोई सवाल हो कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही या उनमें खून की कमी है, या आपको कोई और बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का मसला, किडनी डिसऑर्डर, क्योंकि ये सारे मसाइल हैं जिसमें खुराक का अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, एड्रेस पर कॉल करके और पता कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुक्रिया।